Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, आज हम अपना लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कंपल्सरी इंग्लिश 1, जिसका कोड है 14-23 और इसका हम यूनिट 6 कर रहे हैं. यूनिट 6 में सेक्शन ए जो कि फंक्शन पे बेस करता है, उसके आज हम नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं. इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी प्रेफरेंसेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर. राबिया ग्राइब इज एडिटर इन चीफ ऑफ एन आईटी मैगजीन नेट एक्सप्रेस एंड एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्सपर्ट. राबिया ग्राइब जो है वो एडिटर इन चीफ है एक आईटी के मैगजीन में जिसका नाम है नेट एक्सप्रेस, और वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं. शी एक्सप्रेसेस हर व्यूज अबाउट अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानी वुमेन इन आईटी सेक्टर. वो एक्सप्रेस कर रही हैं अपनी राय को कि किस तरह पाकिस्तानी वुमेन्स के लिए आईटी के शोबे में अपॉर्चुनिटीज या मौके मुयस्सर हैं. लेट अस लिसन टू व्हाट शी इज सेइंग. तो चले आए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं. सो हियर इज नॉट अ रिकॉर्डिंग फॉर यू, मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगी यहाँ पे. राबिया ग्राइब आर सेइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी इट प्रोवाइड्स हैज मेड इट अ पॉपुलर कैरियर चॉइस फॉर मोस्ट पाकिस्तानी वुमेन. वो कह रहे हैं जो आईटी टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी जो इम्पॉर्टेंस है या उसकी जो मुफीद उसका होना है और उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हो रही है कैरियर चॉइस करने में पाकिस्तान में वुमेन्स के बारे में, खासतौर पर ख्वातीन जो हैं इस कैरियर को चूज करती हैं ड्यू टू इस इम्पॉर्टेंस. अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड वुमेन प्रेफर टेकिंग अप आईटी एज प्रोफेशन. बहुत ज्यादा ख्वातीन की तादाद जो है वो एजुकेशन में आईटी को एज अ प्रोफेशन चॉइस करती हैं या वो प्रेफर करती हैं. सो ये देखे यहाँ प्रेफरेंस का वर्ड आ गया. Why this preference for IT? IT के लिए preference क्यों है? ये दूसरा preference का word आ गया. Well, a recent survey has proved that women have shown a great preference to IT and are inclined towards choosing different fields of IT where they have chosen of proving their creativity. ठीक है जी, वो ये क्या कह रही है, एक सर्वे हुआ है रिसेंटली जो कि ये प्रूव करता है कि खवातीन जो हैं वो ग्रेट प्रोफेशन जो है आईटी का उसे चूज करती हैं एंड आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स चूजिंग डिफरेंट फील्ड्स ऑफ आईटी, और इसके अलावा वो आईटी की और जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनको भी सिलेक्ट करना पसंद करती हैं क्योंकि उनको यहाँ चांस मिलता है कि अपनी किसको शो करें, क्रिएटिविटी को शो करें. वुमेन सिलेक्ट आईटी प्रोफेशन बिकॉज they think it also witness their horizons and suits the demands of a dynamic and fast changing world. Okay, इसके अलावा भी वो आईटी के प्रोफेशन को इसलिए चूज करती हैं कि उन्हें लगता है कि ये जो इसका पूरा आईटी का एक सेटअप है, ये प्रोफेशन है, ये उनको उनको जो दुनिया में तेजी से चेंजिंग्स आ रही है, डायनेमिक चेंज जो आ रहे हैं उसको मैच करता है. वुमेन बिलीव दैट इट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू ऑफिस जॉब दैट ब्लॉक देयर क्रिएटिव ग्रोथ. वो कह रहे हैं कि दूसरे जो ऑफिस के जॉब्स होते हैं वो वुमेन्स की जो क्रिएटिविटी की एक ग्रोथ होती है, उसके जो नशोनुमा होती है उसको इतना ज्यादा नहीं बढ़ने देती इंस्टेड ऑफ आईटी. आईटी में ज्यादा ऑप्शंस हैं रादर देन द अदर ऑफिस जॉब्स. वुमेन ऑफ पाकिस्तान हैव मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ आईटी एंड अप्रिशिएट दैट दिस कैन बी द बेस्ट प्रोफेशन दैट कैन अलाउ देम अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खवातीन ये समझती हैं कि अगर वो आईटी के प्रोफेशन को सिलेक्ट करती हैं तो उनको ज्यादा अच्छे प्रोफेशन के मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं फॉर पर्सनल जाती तौर पर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी.
The government also favor and support women who want to choose IT as a profession. वो कह रहे हैं इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है वो खवातीन को ज्यादा मौके देती है जो कि IT को एज अ प्रोफेशन चूज करती हैं एंड हैज अप्रूव्ड इट एज एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ ग्रोथ फॉर वुमेन. और क्या है वो इसे अप्रूव करते हैं कि ये खवातीन के लिए एक एक्सीलेंट मीडियम ऑफ ग्रोथ है. Next, let us repeat some of the expressions of preference taken from Miss Greibstock. वो कहते हैं हम यहाँ कुछ ऐसे preferences को दोबारा से देखते हैं जो कि Miss Greibs ने अपनी गुफ्तगू में शामिल किए हैं. वो कौन कौन से हैं? A large number of educated women prefer taking up IT as profession. Second one is, मैं इसे ट्रांसलेट नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर कर चुकी हूँ. A recent survey has proved that women have shown a great preference to IT. Third one is, are inclined towards choosing different field of IT where they have chances of proving their creativity. ठीक है, ये भी प्रेफरेंस को शो कर रहा है. वुमेन सेलेक्ट आईटी प्रोफेशन बिकॉज दे थिंक इट आल्सो विटनेस देयर होरिजॉन्स एंड द सूट्स द डिमांड्स ऑफ अ डायनेमिक fast changing world. Women believe that it is the best alternative of to office job. Women of Pakistan have made a choice in favor of IT. ठीक है जी, अब यहाँ पे कौन कौन से हुए inclined. ठीक है जी, next है जी select IT. यहाँ select choose या select, ठीक है ये यहाँ आ गया जी believe का and have made भी जो होता है choice करना and made a choice यहाँ पे ये आ गया. ठीक है जी, next move to exercise number 2. In exercise number 2, after listening Miss Cribe's talk, can you now answer these questions? वो कह रहे हैं क्या आप इन questions के जवाब दे सकते हैं. Why do Pakistani women prefer job in information technology IT? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खवातीन जो हैं वो IT की जो job है उसे क्यों prefer करते हैं. तो आप यहाँ पे कोई भी reason देख सकते हैं, जैसे कि एक ऊपर यहाँ है ये government वाला, government जो है वो favor देती है, support करती है अगर खवातीन इस profession में आती हैं, या ये आप dynamic वाला जो है ये dynamic fast changing of world इसको ये match करता है, तो इसके तरफ भी आप जा सकते हैं. ठीक है, लिखना आपने खुद है. Miss Cribe uses quite a few words of terms of expressing preference. For example, she says popular career choice. So ये अब आपने क्या करना है, phrases लिखने हैं, phrases. ठीक है जी, जैसे कि पॉपुलर कैरियर वाला हो गया जी. नेक्स्ट हम यहाँ से कोई देख से लग सकते हैं जी, अ ग्रेट प्रेफरेंस हो सकता है जी. फिर इसके अलावा जी इंक्लाइन टू वर्ड्स चूजिंग, ये आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है जी, इस तरह की आपने फ्रेजेस ऊपर से लिखनी है और फिर आपने नीचे लिखनी है. नाउ कैन आई लिसन वेरी केयरफुली टू द रिकॉर्डेड टेक्स्ट 36 अगेन एंड राइट वर्ड टू वर्ड्स एंड और टर्म्स शी यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस. वो कह रहे हैं कि दोबारा आपने सुनना है और आपने जो उसने यूज किए प्रेफरेंसेस उसे लिखने हैं. देर आर मोर देन वन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर समर देन विंटर्स. I am in favor of autumn. I like the quietness of the autumn season. वो कह रहे हैं कि जी मैं प्रेफर करता हूँ सर्दियों को, मैं समर को प्रेफर करता हूँ सर्दियों की निस्बत, यानी विंटर की निस्बत. और वो कह रहा है कि मैं प्रेफर करता हूँ ऑटम खजां को, क्योंकि मुझे खजां की खामोशी जो है वो अच्छी लगती है. सो इस तरह से भी आप अपने जो है वो प्रेफरेंसेस को शो कर सकते हैं. सो अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मिसेज रेहाना. सो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि वो अपने प्रेफरेंसेस को कैसे शो कर रही है. तो तब तक के लिए को दीजिए इजाजत. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर जो आपकी मजीद कोई प्रेफरेंसेस हैं कि वीडियो में कुछ चेंजिंग चाहते हैं या मजीद आपकी कोई डिमांड है वो जरूर लिख के बताइएगा, ताकि आपको भी प्रेफरेंसेस को शो करना आ सकता हो. ठीक है जी, तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझको दीजिए इजाजत. थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी. अल्लाह हाफिज़.